सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीबों की झोपड़ी पर ना चले बुलडोजर। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कानपुर देहात घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर न चलाई जाए, केवल अपराधी और माफियाओं पर ही कार्यवाही की जाए। कानपुर देहात में मां बेटी की आग में जलने से मौत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर टेढ़ी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने खासतौर पर प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि अब गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर न चलाई जाए, केवल अपराधी और माफिया को निशाने पर लिया जाए, छोटे छोटे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से बचे। यही नहीं कहा तो यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बहुत जल्द ही बड़े बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की आहट है। लखनऊ, आगामी दिनों में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश भर की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल होगा। आईएएस और आईपीएस अफसरों के जल्द तबादले होंगे। डीआईजी, आईजी और मंडलायुक्त, जिलों के डीएम और एसपी, सीनियर पीसीएस और पीपीएस पदों पर बड़े बदलाव होंगे। बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, वह कई ऑफिसर्स की कार्यप्रणाली से बेहद खफा है। गोरखपुर जाते जाते मुख्यमंत्री ने सीनियर अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित मामले में आड़े हाथ लिया है। गौरतलब है कि कानपुर देहात के मामले में वहां की जिलाधिकारी नेहा जैन और मुख्य विकास अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दोनों इस दौरान समारोह में नाचते गाते देखे गए थे।